इसे ऑस्ट्रेलिया से निवेदिता ने पूछा है। बुल्ले शाह कहते हैं, पढ़पड़ आलम फाजल हो कदी अपने आप नु पढ़ियाई नहीं, ये अपने आप को पढ़ना क्या है। बुल्ले शाह की इस उक्ति का आओ पहले अर्थ जानते हैं। बुल्ले शाह बहुत प्यारी बात कह रहे हैं कि तुम पढ़ करके पंडित तो हो गए, विद्वान तो हो गए, आलिम हो गए, फाजिल हो गए, मगर स्वयं को कभी पढ़ा कि नहीं, अपनी किताब को पढ़ा कि नहीं। जिसके लिए हमारे हजरत इकबाल कहते हैं, ढूंढता फिरता हूँ मैं इकबाल अपने आप को, और आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं। लोग बाहर बाहर जाते हैं, बाहर का नॉलेज, बाहर का वाचक ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं, असली बात है कि अपने भीतर जाना है। ये बाहर की किताब पढ़ने से नहीं होगा, अपनी किताब पढ़ा कि नहीं पढ़ा। इकबाल साहब अन्यत्र कहते हैं, जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई। लोगों से बातें करते रहते हैं, लोगों से मुलाकातें करते रहते हैं, लेकिन क्या स्वयं से मुलाकात हुई कि नहीं? अपनी किताब को तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अपनी ज़िंदगी को तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अपनी ही ज़िंदगी से मुलाकात की कि नहीं की? इसी बात को कबीर साहब कह रहे हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो सारा संसार पढ़ने में, विद्वत्ता हासिल करने में, धर्म ग्रंथों को पढ़ने में लगा हुआ, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, ऐसे ही पढ़ते पढ़ते अपने कितने कब्र में चले गए, श्मशान में चले गए, पंडित भया न कोय, लेकिन ज्ञान ही तो नहीं हुआ, ये बाहरी पंडित हो गया, बाहर का ज्ञान, बाहर का कचरा इकट्ठा कर लिया। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयान को, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। असली पढ़ाई तो ढाई आखर की पढ़ाई है, इस प्रेम की पढ़ाई है। क्या ऐसा ज्ञान हमने अर्जित किया जिसके भीतर, हमारे भीतर प्रेम पैदा हुआ? असली ज्ञान वही है जो तुम्हारे भीतर प्रेम पैदा करे। अगर ऐसा ज्ञान तुम अर्जित करते हो तुम्हारे भीतर अहंकार पैदा करे, तो वो पढ़ाई कोई पढ़ाई नहीं, वो तो अविद्या है। विद्या तो वो है जिसको पढ़ने के बाद तुम्हारे भीतर प्रेम पैदा होता है, तुम अहंकार से मुक्त हो जाते हो। इसलिए कबीर साहब अन्यत्र कह रहे हैं, कबीर पढ़ना दूर कर। कबीर साहब स्वयं भी पढ़े लिखे नहीं थे, कभी पढ़ा नहीं उन्होंने। कबीर पढ़ना दूर कर और पुस्तक देह बहाए। अब किताबों को बहा दो। अब 52 अक्षर शोध के सत्य नाम लौ लाए। ये 52 अक्षरों में, देवनागरी में जानते हो 52 अक्षर होते हैं, कहते इस 52 अक्षरों में कुछ भी नहीं रखा है, वह जो एक अक्षर है सत्य नाम का, जो ओंकार का अक्षर है, उसके लिए बाहर की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो तो अपने जीवन में ही वो ओंकार गूंज रहा है, वो ओंकार का अक्षर तो तुम्हारे जीवन का हस्ताक्षर है, उसको पढ़ो, उससे प्रेम करो, उसे सत्य नाम से लौ लगाओ। कबीर साहब और भी एक जगह कहते हैं, पढ़े लिखे क्या होई जो सहज न मिलियो सोई। अरे पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होगा, क्या सहज को तुमने जाना? सहज ओंकार को कहते हैं, ओंकार ही, इसलिए सहज योग कहते हैं, ओंकार पर आधारित योग को सहज योग कहते हैं। कहते हैं कि तुम नाना प्रकार की पढ़ाई कर रहे हो, क्या ओंकार को जाना कि नहीं जाना? उस पढ़ाई को पढ़ो जिसमें तुम ओंकार को जान पाते हो। इस बात को दादू साहब कह रहे हैं, दादू पाती प्रेम की और बिरला बांचे कोई। ये प्रेम की पाती परमात्मा लिख रहा है, हर क्षण दिख रहा है, हर क्षण तुम्हारे पास प्रेम की पाती भेज रहा है, लेकिन बिरला बांचे कोई, क्योंकि तुम्हें पढ़ना नहीं आता। जैसे गांव में बहुत सारी लड़कियां होती हैं, शादी हो जाती है, फिर ससुराल जाती हैं, फिर लौट करके मायके आती है, तो उनका पति चिट्ठी लिखता है, उनको पढ़ना तो आता ही नहीं है, तो फिर किसी के पास जाती हैं, किसी पढ़ी लिखी महिला के पास, भाई क्या लिखा है मेरे पति ने, जरा पढ़ करके सुनाओ। तो वही कह रहे हैं कि ये जो पाती तो परमात्मा की आ रही है, हमें पढ़ना तो आता नहीं, नहीं आता तो जो कोई पढ़ा लिखा है उसके पास जाओ, वो प्रेम की पाती तुमको पढ़ करके सुनाएगा, और फिर वो पढ़ाई पढ़ो जिससे तुम परमात्मा की लिखी पाती को पढ़ पाओ,
अब वेद पुराण पुस्तक पढ़े प्रेम बिना क्या हो, और वेद पुराण कुरान बाइबिल पढ़ते रहते हो, गीता पढ़ते रहते हो, तो असली बात है कि वो प्रेम की नज़र से, जब तक प्रेम की पात्रता तुम्हारे पास नहीं आए तब तक तुम परमात्मा की पाति नहीं पढ़ सकते हो। तो असली बात है कि प्रेम की योग्यता हमें पैदा करनी होगी, हमें प्रेमल होना पड़ेगा, तभी हम परमात्मा की पाति को पढ़ सकते हैं। इसके लिए दूलन दास कहते हैं, पढ़े उन सत्य नाम दुई अक्षर, ये जो ओम का जो दो अक्षर है इसको तो तुमने पढ़ा नहीं, सत्य नाम को तो पढ़ा नहीं, आ सीखाऊ जो सकल सयाना, सारी जो हमारी शिक्षा है चालाकी सिखाती है, सयानापन सिखाती है, नहीं इससे नहीं होगा। आनंद गीता में इसी बात को मैंने लिखा था कि पढ़ लेता जो अपनी किताब पा जाता जीवन का सुराग, जो अपने जीवन की किताब पढ़ लेता है वही जीवन के सत्य को जान पड़ता है। लेकिन अब सवाल है कि स्वयं को हम पढ़े कैसे, अपने जीवन के वेद को हम पढ़े कैसे, स्वयं को पढ़ने की कला क्या होगी। तो अनेक अनेक संतों ने जीवन को पढ़ने की कला बताया है, जिसमें सर्वाधिक जो मुख्य कह सकते हो जो कला है इसको गौतम बुद्ध ने बताया है, जिसको हम अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं। ये अष्टांगिक मार्ग जो आठ आयाम गौतम बुद्ध ने बनाए हैं, ये हमारी जीवन के किताब के आठ अध्याय हैं। अगर इसको तुम ठीक से पढ़ लो तो अपने जीवन की किताब तुम पढ़ लोगे। और सारे संत करीब करीब इसी बात को इशारा करते हैं, उनके शब्द अलग हैं, कहने का अंदाज अलग है, लेकिन बातें करीब करीब यही है जिसके माध्यम से हम जीवन की किताब पढ़ सकते हैं। तो ये जो आठ अध्याय हैं वो क्या है, पहला क्या है, सम्यक दृष्टि, जिसको आनंद प्रज्ञा में बताया जाता है कि अब जो हमारा जीवन में घटनाएं घटित हो रही हैं और उन घटनाओं से तुमने सीखा क्या। जैसे कोई चैप्टर पढ़ते हो, शिक्षक तुम्हारा पढ़ाता है और एक चैप्टर पढ़ाता है, एक कहानी सुनाता है और कहता है कि अच्छा बच्चों इस कहानी से तुमने क्या शिक्षा लिया, फिर बच्चे बताते हैं कि हमने ये शिक्षा ग्रहण किया। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं वो एक तरह से वो हमारा पाठ है, उससे हमने क्या सीखा, घटना का तथ्य है। और हम हर तथ्य को भी कथा कुछ कर लेते हैं, कथ्य कुछ जोड़ निगेटिवली उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं, लेकिन असली बात है उस घटना से हमने पॉजिटिव लेसन क्या ग्रहण किया उसको सत्य है। तो तथ्य है, कथ्य है और सत्य है। तो तथ्य से तुम कथ्य भी कर सकते हो और तथ्य से तुम सत्य भी ग्रहण कर सकते हो, उसे सीख भी सकते हो कुछ पॉजिटिव। तो हर घटना से हमको सीखना है। एक जैसे हमेशा रिकमेंड करते हैं कि तो कोई डायरी लिखो कि आज जो घटना घटी उससे तुमने क्या सीखा, ये जीवन की किताब को पढ़ने का पहला अध्याय है। दूसरा अध्याय है सम्यक जागृति, सम्मासति गौतम बुद्ध कहते हैं, सम्यक दृष्टि को समदीठि कहते हैं। तो सम्मासति सम्यक जागृति क्या है कि अपने व्यक्तित्व को जानो, और तुमने अपने व्यक्तित्व को जाना नहीं, और जब तक अपनी पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को, अपने घोस्ट नेचर को और जब तक तुमने जाना नहीं तब तक तुम अपने को समझ नहीं सकते कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ। तो इसके लिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तीन तरह का व्यक्तित्व हो सकता है। प्रथम दो तो तुम लाते हो, स्पिरिट वर्ल्ड से ही ले आते हो, और एक जो है वो तुमको क्रिएट करना पड़ता है। क्या है, रजस है, तमस है। रजस क्या है, वो एक तरह से कह सकते हो कि ये मेरा भूत है, मेरा हर चीज़ के प्रति तुम पकड़ बना लेते हो, ये मेरा गांव, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, एक अधिकार जमाने का जो भाव है, तो जिसको हम लोग आनंद प्रज्ञा में कहते हैं कि ए ग्रुप का भूत और बी ग्रुप का भूत। ए ग्रुप आई एम राइट, बी ग्रुप का यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। तो और कृष्ण उसी को, पहले वाले को रजस कह रहे हैं ए ग्रुप वाले को, और बी ग्रुप के भूत को जिसको ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, जो मैंपन उसका जीवन का केंद्र हो जाता है, वो तमस भूत है। कृष्ण कहते हैं तमस, जिसको हम लोग कह रहे हैं बी ग्रुप का
भूत या बीग रूप की पर्सनैलिटी। अब कृष्ण कह रहे हैं कि ये तो तुम लाए हो, रजस और तमस तुम लाए हो, आई एम राइट यू आर रॉन्ग, मैं सही हूँ तुम गलत हो, ये तो तुम लाए हो। लेकिन अब दोनों में कुछ अच्छे क्वालिटीज हैं, तो उसमें से तुम दोनों का अच्छा तुम ले लो, तो ये एक नया गुण तुम पैदा कर सकते हो, पर्सनालिटी पैदा कर सकते हो। कृष्ण कह रहे हैं सतोगुणी सत्व तुम पैदा कर सकते हो, एक बैलेंस पर्सनालिटी। तो ये अपनी पर्सनालिटी के प्रति तुम जागो, और पर्सनालिटी के प्रति जाग करके अपने भीतर सतोगुण पैदा करो, तो ये जीवन के किताब को पढ़ने का दूसरा अध्याय पूरा हो जाता है। इसी तरह तीसरा अध्याय सम्यक कर्म है, अब पुरुषार्थ करने की कला, अब पुरुषार्थ करो, प्रोएक्टिव बनो। और जो चार पुरुषार्थ हैं, अर्थ है, धर्म है, काम है, मोक्ष है, तो ये चार पुरुषार्थ को अपने जीवन में उतारना शुरू करो, ताकि जो जीवन का उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में तुम आगे की ओर बढ़ते रहो, तुम्हारे कदम पीछे नहीं जाए। उसी तरह चौथा जो अध्याय है वो सम्यक संबंध है, लिविंग विन विन डील करो, जैसे विन लूज अगर तुम करते हो, मैं जीत जाऊँ दूसरा हार जाए, तो ये विन लूज कहलाता है, लूज विन, दूसरा जीत जाए मैं हार जाऊँ। तीसरा है लूज लूज, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, ये जीवन जीने की ये तीन कला नहीं है। चौथी कला है विन विन, हमारी भी जय जय तुम्हारी भी जय जय, जिससे तुम संबंध बनाते हो, जिसे तुम डील करते हो, 51% उसका ख्याल करो, 49% अपना ख्याल करो, तो तुमने ये जो चौथा अध्याय है जीवन की किताब को ठीक से पढ़ा। पांचवा अध्याय है सम्यक वाणी, अर्थात किसी से बातचीत में मधुरता लाओ। कबीर कहते हैं मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अगर तुम मीठी वाणी बोल रहे हो इसका मतलब अहंकार तुम्हारा गल जाएगा, मधुर वाणी सबसे बोलो, अगर तुम किसी से हार्शली बोल रहे हो इसका मतलब तुम्हारे भीतर अहंकार अभी भी मौजूद है। मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल हो। तो मीठी वाणी बोलने की कला तुमने अगर सीखी है, किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारे भीतर अहिंसा घटित हो जाती है, और तुमने जीवन की किताब का पांचवा अध्याय पढ़ लिया। ऐसे ही सम्यक संकल्प, समसकप्पा गौतम बुद्ध कहते हैं कि अपने भीतर संकल्प पैदा करो, क्योंकि जीवन का उद्देश्य पूरा करने के लिए संकल्पवान होना बहुत ज़रूरी है। अगर संकल्प का यह विज्ञान है, आनंद प्रज्ञा में तुमको बताया जाता है कि उसको अपनाओ और अपने जीवन में संकल्प लाओ, तो तुमने जीवन की किताब का छठा अध्याय पढ़ लिया। और फिर सातवां अध्याय सम्यक स्वीकार है, अनुकूल का तो स्वीकार सभी कर लेते हैं, प्रतिकूल का स्वीकार करना अगर आ जाए और तुम अहोभाव के साथ प्रतिकूल का स्वीकार कर लेते हो, तो तुम्हारे जीवन में स्वीकार घटित हुआ, अगर स्वीकार घटित हो गया तो तनाव कैसा, फिर तुम तनाव मुक्ति जिंदगी को जीते हो। तो ये तुमने सातवां अध्याय सीखा। और फिर आठवां अध्याय सम्यक समाधि, सम्यक ध्यान, अर्थात अपने भीतर निराकार आत्मा को जानो, आत्मा से परिचित हो और आत्मबोध पैदा करो भीतर, तो तुमने जीवन की किताब का आठवां अध्याय पढ़ लिया और अपने जीवन को पूरी तरह पढ़ लिया। तो निश्चित रूप से बुल्ले शाह हैं, कबीर हैं, दादू साहब हैं, दुल्हन दास हैं, सारे संत अपने जीवन की किताब को पढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं।